Hi guys, I am Lash Gupta and you are watching my new video on Match Group. इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नेगेटिव मैथड क्या होता है। तो अगर आपको नेगेटिव मैथड के बारे में जरा सा भी जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ गाइस, जैसे कि आपने देखा था कि इस वीडियो में आपको नेगेटिव मटेरियल के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, मैं आपको इस वीडियो में सारे क्या है नेगेटिव मटेरियल्स के फैक्ट्स और नॉलेज बताऊँगा। पूरी की पूरी नॉलेज जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेगेटिव मटेरियल्स रियलिटी से बिल्कुल उल्टे होते हैं या फिर कहें विपरीत होते हैं। जैसे कि हमारे आसपास से जितने भी चीज़ें होती हैं या फिर मास होता है वो सब स्पेस के लॉजों को फॉलो करता है, जबकि नेगेटिव मटेरियल्स में स्पेस के लॉज काम ही नहीं करते। जैसे कि आप इस वीडियो में या फिर कहें डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी रबर की शीट टाइप है, जिसमें एक है पॉजिटिव मास पार्टिकल्स और दूसरा नेगेटिव मास पार्टिकल्स। तो पॉजिटिव मास पार्टिकल्स में ये जो है रबर शीट वो नीचे की तरफ हो रही है, जबकि नेगेटिव में ये ऊपर की तरफ। ये इसलिए क्योंकि रिलेटिविटी ने कहा है जितनी भी भारी ऑब्जेक्ट होती है उसका जितना भी वजन होता है वो हमारे अर्थ में उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स बनाती है, तो उसी को दर्शाता है हमारे पॉजिटिव मास पार्टिकल में कि उसमें हमारे कोई भी भारी ऑब्जेक्ट हो जिस ठिकाना वो नीचे की तरफ खींच रही है, जबकि नेगेटिव मास पार्टिकल्स में वो ऊपर की तरफ खींच रही है, क्योंकि वो उल्टा काम करता है पॉजिटिव पार्टिकल्स में। वहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट रखी होती लेकिन वो उल्टा काम करने के कारण वो और ज़्यादा उसे ऊपर कर रहा है, नीचे से आगे उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बन ही नहीं रहा है। अगर जब तक नेगेटिव पार्टिकल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स तभी तक रहता है जब तक उसमें कोई पार्टिकल या फिर मास ना रखा जाए। जैसे ही हम उसमें कोई पार्टिकल या मास रखेंगे तो वो एक उठा हुआ हम्प टाइप का बन जाएगा। थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे एडजोटिक मैथड और नेगेटिव मैथड को फाउंड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।